तो बोली कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु जी आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने हम इसको ज्ञान का सरोवर बोला जाता है और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी आपने दर्शन किए होंगे वहां पर लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है बहन जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के अंदर चला गया और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया, इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम यानी के सेंटर पॉइंट के जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो है प्रभु, मैं मारू तो किसको मारू, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था, इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के अभी आप दर्शन कर रहे थे वहां पे रथ के सामने, उसी पेड़ के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी अभी यदि आपने उसकी परिक्रमा कर लिया है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस भाई ने, किसी बहन ने नहीं किया तो उसकी हम एक परिक्रमा कर सकते हैं पेड़ का, उसमें एक मंत्र बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आपा पंजाबी च आपा वाहे गुरु भी कह सकते हैं, मालिक इको ही हैगा है, परमात्मा इको ही हैगा है, पर अपन उन्होंने वखरा वखरा दा थोड़ा उन्होंने बोलन करके कर दिता है कि तुम्हारी भाषा आ रहेगी तो साड़ी भाषा आ रहेगी, तो इतों की जानकारी हैगी, तुसी विराट रूप की भी परिक्रमा आप कर सकते हैं, ये भी यही मंत्र बोलिया जाएगा
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ